शाहजहां, मैं श्रीनगर से आई हूँ यहाँ सी के बिरला हॉस्पिटल। मेरा हायर सिक प्रेगनेंसी था। मैं श्रीनगर से हूँ, मेरा अच्छा चल रहा था, मेरे अच्छा चल रहा था प्रेगनेंसी 8 मंथ्स तक। फिर मेरे हायर सिक प्रेगनेंसी हुई, वहाँ पे बोला आपको हायर सिक प्रेगनेंसी है। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई वहाँ पे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। 8 मंथ्स तक मैं ठीक थी। फिर कुछ अल्ट्रासाउंड मैंने किए, उस पर थोड़ा सा हायर सिक निकला। फिर हम बहुत डर गए, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर हमने सर्च किया डॉक्टर आस्था, सी के बिरला हॉस्पिटल में है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर हैं। फिर हमने उससे कंसल्ट किया, उसने बोला कोई बात नहीं, आप हमसे बात कीजिए, हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हम खुद ही आ गए श्रीनगर से सी के बिरला हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर आस्था से मिली, डॉक्टर आस्था ने इस तरह ट्रीट किया मुझे जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। मैं अच्छी तरह से बात की। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई थी मेंटली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर मेरी पहली ये प्रेगनेंसी थी, इसलिए प्रीशियस बेबी था मेरा। पहले भी कुछ हुआ था मेरे प्रेगनेंसी में, मगर ये मेरा पहले बेबी था। सो डॉक्टर आस्था ने मुझे इस तरह ट्रीट किया। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोला 1-2 दिन आप रुके, अल्ट्रासाउंड के ट्रीटमेंट्स दिए, सब कुछ किया। स्टाफ ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा इन दिनों, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट किया। यहाँ के हॉस्पिटल ने हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। फिर डॉक्टर आस्था ने उसने बोला 20 आपको वेट करना पड़ेगा, अगर ठीक निकला वेट करना पड़ेगा तो सो हम वेट करेंगे प्रेगनेंसी के लिए 9 मंथ्स कम्प्लीट। फिर जब उन्होंने एक बार दो बार के मेरे अल्ट्रासाउंड, मेरे मॉनिटर चल रहे थे, मेरा ऑक्सीजन लेवल चल रहा था, बीपी चल रहा था, बहुत बहुत अच्छी तरीके से मुझे इन्होंने ट्रीट किया इन स्टाफ ने, डॉक्टर आस्था की वजह से। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है। पहले मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहती हूँ, फिर डॉक्टर आस्था मैम का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मुझे बेबी बॉय हुआ है, थैंकफुल, मैं वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर आस्था मैम और यहाँ के स्टाफ और सी के बिरला हॉस्पिटल, जो भी यहाँ पे हमने इन्होंने सब ने हमें अच्छी तरीके से ट्रीट किया। थैंक यू।